हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न सेवन स्टैंडर्ड सिविक्स लेसन नंबर बफायर दैट इज फंडामेंटल राइट्स पार्ट टू स्टूडेंट्स इसमें हम देखने वाले हैं इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो अपने बुक में आपके लेसन में जितना है क्वेश्चन आंसर सब कवर करने वाले हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई थिंक है इसमें वो भी मैंने आपके लिए रख दिया है अगर रहेगा तो आप देख लेना ओके सो so, कोई डाउट रहे अगर तो आपका मैं में पूछ लेना वैसे जितना इसमें क्वेश्चन है सारा तो मैंने कवर किया हुआ है इसमें सो so, चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं राइट अबाउट द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स द इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस टैक्सेस स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिलीजियस टैक्सेस दैट माइट बी यूज टू इनक्रेज अ पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बीट्स रिलीजियस टैक्सेस दिस इज डन इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ रिलीजियस फ्रीडम सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज मीन्ट बाय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन केस ऑफ Encroachment of fundamental rights, the Indian citizens have the right to get judicial remedies, is also a fundamental right. This is called the right to constitutional remedies. This means providing legal remedies in case people's rights get violated. So, it becomes a constitutional duty of the courts to protect the rights of the people. Now, find the appropriate word protection from. Illegal arrest and detention, habeas corpus, to restrain a person from acting in an office to which he is not entitled co varanto. The order of the Supreme Court of the High Court commanding the government to perform an action that is its duty to perform mandamus. The order pre uh, preventing a subordinate court from exceeding its jurisdiction prohibition. State the reason why we are free to practice the following. All Indian citizens can celebrate all festivals joyfully because in India we have a great diversity of festivals. Our constitution has given the different communities the right to preserve their cultural uniqueness. दिस इज़ गारंट बायर कॉन्स्टिट्यूशन बाई गिविंग द सिटीजन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो वी आर फ्री टू सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स जॉयफुली देखिए यहाँ पे आपको रीज़न बोला है बताने के लिए सो so इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं ओके okay? तो यहाँ पे वाई पूछा गया आपको तो वहाँ से आपको बिकॉज से मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो तो इन इंडिया बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ़ फेस्टिवल्स अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं अलग अलग रिलीजन के लोग हैं तो अलग अलग फेस्टिवल्स हमें uh, मनाने को मिलता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन मेक एफर्ट्स टुअर्ड्स द प्रिजर्वेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ आर लैंग्वेज इट्स स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर बिकॉज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द कम्युनिटीज द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चरल यूनिकनेस

डैश यहाँ पे आपका रिलीजियस आएगा रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी मेड कंपलसरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट गेट एट फ्रॉम द स्टेट ये तो हमें पता ही है रिलीजियस एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी नहीं है देश में कि जो जो जिस धर्म का है वो वो, वो उसको पढ़ना ही जरूरी है कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग इसमें भी आपको क्या करना है आप देख रहे हो यहाँ पे वन टू और थ्री ऑप्शन दिए हैं जो राइट right ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ठीक है सो राइट टू रिलीजन राइट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन फ्रॉम फॉर रिलीजियस रीज़न ओके यहाँ पे क्या आएगा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इज़ द राइट विच कीवस पीपल फ्रीडम टू प्रिजर्व देयर ओन लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर यहाँ पे हर किसी को ये फ्रीडम है कि अपना ओन लैंग्वेज में पढ़ सकता है अपने भा, अपनी भाषा का अपने है ना अब यहाँ पे देखिए क्या है इन्फ्रिजमेंट ऑफ़ आवर राइट्स यहाँ पे आएगा आपका और ये आंसर आप देख सकते हो क्वेश्चन समटाइम्स द राइट दैट आर गारंटीड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन में गेट इनक्रोच अपॉन एंड वी आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज आवर राइट्स एंड दिस इज कॉल्ड इन्फ्रिजमेंट ऑफ आर राइट्स और यहाँ पर ये आप आंसर देख सकते हो इसका ये है ठीक है जी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर इन तीनों में से आप देख सकते हैं ये वाला राइट right ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो ये राइट right ऑप्शन ये हमने ऊपर में भी पढ़ा है ये सारी चीज़ें और यहाँ पे देख रहे हो आप हाईलाइटेड कलर है जो रेड कलर में वो यहाँ पे आपका आंसर है तो यहाँ पे भी आप वही देख सकते हो कि यहाँ पे थ्री ऑप्शन है और यहाँ पे राइट right ऑप्शन जो है ये यहाँ पर आएगा ओके okay. अब यहाँ पर देख लेते हैं आंसर इन वन सेंटेंस तो ये मैं आपको बता देती हूँ इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन is it not allowed to make religious education compulsory so religious education cannot be made compulsory in educational institution that receives aid from the state okay so in which aspect of social life of our country do we witness diversity we can see that there is a great diversity of festivals food and ways of life in the social life of our country okay so write any one write Given to the different communities to preserve their cultural uniqueness. So the communities can establish institutions for the development of their language. Which fundamental right ensures that there is no encroachment on the on our fundamental rights? The right of the right to constitutional remedies is the fundamental right which ensures that there is no encroachment on our fundamental uh, fundamental rights. What is called an infringement of our rights sometimes of sometimes the rights that are guaranteed to us by the constitution may get encroached upon and we are not able to exercise that rights. This is called an infringement of our rights. Okay. So students pe Sarah ka. Sarah, aapko question bata diya hai. jitna is me thab एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है ऑर्गेनाइज एन इंटरव्यू इन योर स्कूल ऑफ जज अ लॉयर और अ पुलिस ऑफिसर एक आपको एक्टिविटी करनी है आपके स्कूल में एक आपको क्या करना है इंटरव्यू लेना है ओके किसका किसका जज एक बनना है एक लॉयर एक पुलिस ऑफिसर उनका इंटरव्यू लेना कैसे आपको क्या क्या क्वेश्चन लोगे तो आप अपने तरीके से बताना अगर आपके लिए एक है इंपॉर्टेंट है तो आप बताना इसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगी ओके अगर कंपलसरी आपके एग्ज़ाम के लिए तो वैसे जितने भी थे मैंने यहाँ पे सब बता दिया है आपको आंसर सो so, जितना भी बुक में है ना उतना ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ओके okay? कोई डाउट है कॉम्सेशन पूछ लेना आप और आपको स्क्रीन चाहिए तो आप ले लीजिए यहाँ पर और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर करना मत भूलिए और उनको भी बोलिए कि वो भी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल और अपने फ्रेंड्स साथ भी वो लोग भी शेयर कर दें आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर किसी लेसन का एक्सप्लेनेशन चाहिए सो so, आप कमेंट कर सकते हो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी क्वेश्चन आंसर का हो चाहे फिर एक्सप्लेनेशन वाला हो ओके okay? स्क्रीन ले लीजिए आप सबका ताकि आपको लिखने में ईजी हो अगर आपके पास डाइजेस्ट नहीं है वर्कबुक में आपने लिखा नहीं है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ओके okay?